दोस्तों मैं जितेंद्र टेक्टॉम से बोल रहा हूं। दोस्तों ये है टेक्नो मोबाइल का कैमन आई क्लिक स्मार्टफोन जो कि अभी अभी इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है। दोस्तों इस फोन की विशेषता ये है कि इसमें आपको दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, 18:9 का इसमें एस्पेक्ट रेशियो है। और दोस्तों जो सबसे जो इसमें अहम फीचर है कि इसमें बहुत ही पावरफुल 20 मेगापिक्सल का दोस्तों फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी इसकी काफ़ी पावरफुल है, 3750 mAh की बैटरी है और ये काफ़ी लाइट फ़ोन है। और इसका वेट जो है सिर्फ 150 ग्राम है जो कि आप बहुत ही लाइट है कैरी करने के लिए और आप इसको बहुत इजीली सिंगल हैंड से इसको नेविगेट कर सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके डिज़ाइन की, जैसा कि मैंने बताया फुल व्यू डिस्प्ले है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18:9 का इसमें एस्पेक्ट रेशियो है। और जो स्क्रीन टू बॉडी दोस्तों जो इसका रेशियो है वो है 83% to 9%। और आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम बीजल दिए गए हैं लेफ्ट साइड पे ऊपर और नीचे, और फ़ोन दिखने में दोस्तों काफ़ी स्लीक है। और जहाँ तक इसके डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों यूनिबॉडी डिज़ाइन है। और राइट हैंड साइड पे दोस्तों आपको पावर बटन मिलेंगे और ये वॉल्यूम रॉकर्स है। और ये आपको दोस्तों थ्री स्लॉट्स दिए गए हैं इसमें, जिसमें कि आप 2 SIM डाल सकते हैं एट ए टाइम, और एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है फॉर माइक्रो SD कार्ड के लिए, इसकी इंटरनल मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए। USB टाइप ऑर्डनरी चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है, ये हेडफोन जैक है। और ऊपर दोस्तों बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इसमें बहुत ही पावरफुल 20 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें कैमरा दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके और डिज़ाइन की, और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है पीछे, और ये काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। मैं दोस्तों इस फ़ोन को करीबन 4 वीक्स से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को कभी भी फिंगरप्रिंट सेंसर ने फेल नहीं किया है। फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा दोस्तों सिक्योरिटी का इसमें और भी एक फ़ीचर है, इसमें आपको फेस अनलॉक फीचर मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और टेक्नो मोबाइल की दोस्तों नीचे ब्रांडिंग दी गई है। ये दोस्तों इसमें एक कैमरा है, हालांकि लगते आपको 2 हैं, लेकिन ये 16 मेगापिक्सल का दोस्तों रियर कैमरा है विद 4x फ्लैश। ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल फीचर है कैमन आई क्लिक का। और कैमन आई के दोस्तों जितने भी फ़ोन आए हैं मैं उनके कैमरा से काफ़ी सेटिस्फाइड रहा हूं, और इस फ़ोन ने भी दोस्तों काफ़ी ये कैमरा जो है अच्छा परफॉर्म करता है। ये मेरा दोस्तों इसमें जो मेरा एनालिसिस है, जबकि इसको मैंने काफ़ी टाइम इसको यूज़ कर चुका हूँ इस फ़ोन को। और दोस्तों जहाँ तक इसके अब और फीचर की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ है। इसमें आपको 4 GB की रैम मिलेगी दोस्तों, 64 GB की दोस्तों इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिसको कि आप डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड की वजह से जो उसमें स्लॉट दिया गया है 128 GB तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 20 मेगापिक्सल का दोस्तों फ्रंट कैमरा है, 60 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। और दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है मीडिया टेक का P23 प्रोसेसर जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 64-bit प्रोसेसर है। और इसमें बहुत ही पावरफुल 3750 mAh की बैटरी है। जो इसका डिस्प्ले का दोस्तों जो इसका रेजोल्यूशन है वो है 720x1440, और ये हाई ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर। ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा प्लस फीचर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले तो इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले जैसा कि मैंने बताया 6 इंच का है, HD है, और इसमें दोस्तों आपको काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, टेक्स्ट शार्प है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, और इसकी सनलाइट विजिबिलिटी भी और बहुत अच्छी है, और इसमें आप मीडिया कंटेंट को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 16 मेगापिक्सल का तो दोस्तों रियर कैमरा है। और कैमरा ने दोस्तों मेरे को काफ़ी इम्प्रेस किया है। और जो 16 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें कैमरा है ये f1.8 अपर्चर के साथ आता है, और 4x फ्लैश है इसमें। और इस दोस्तों इसमें आपको
इसके अलावा दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी फीचर है। इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी फीचर मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीन डिटेक्शन है, और आर्टिफिशियल बोके इफेक्ट है, सुपर पिक्सल है, और इसमें आपको पैनोरामा मोड दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों जो फ़ोन है ये काफ़ी, ये देखिए इसमें वीडियो नॉर्मल है, ब्यूटी मोड है, पैनोरामा मोड है, सुपर पिक्सल है। तो इससे दोस्तों जो फ़ोन की जो जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसमें आपको दोस्तों HDR का ऑटो मोड भी है। और दोस्तों ये देखिए मैंने कुछ इसमें इमेजेस क्लिक की हैं डे टाइम में, ये देखिए काफ़ी क्लियर हैं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में खींचे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये दोस्तों जहाँ तक तो इसके कैमरा की मैं अगर बात करूँ तो कैमरा, ये देखिए पैनोरामा मोड है। कैमरा दोस्तों ने मेरे को इसमें बहुत ही इम्प्रेस किया है, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो, ये इंटरनल है, अंडर राइटिंग खींची गई है। और दोस्तों चाहे वो कैमरा इसमें आपका रियर हो चाहे फ्रंट हो, दोनों ने मेरे को दोस्तों बहुत ही इम्प्रेस किया है। और जो 20 मेगापिक्सल का दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो आता है f2.0 अपर्चर के साथ, LED ड्यूअल फ्लैश है इसमें, और इसमें आपको स्क्रीन फ्लैश भी मिलेगा, आप बहुत ही अच्छी इसमें सेल्फीज निकाल सकते हैं। और जो जहाँ तक दोस्तों फ़ोन की बात करें कैमरा की, तो अगर आप नाइट में खींच रहे हैं तब भी दोस्तों आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, हालांकि बहुत बढ़िया आपकी इमेजेस नहीं आएंगी लेकिन ग्रेन थोड़ा कम आएंगे। और इसमें क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन फ्लैश मिलेगा, चाहे आप अगर आप सेल्फी भी खींच रहे हैं लो लाइट में तो स्क्रीन फ्लैश आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और इसमें दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया जो फीचर है, जब आप वीडियो चैटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको एडजस्टेबल फ्लैश लाइट भी मिलेगी, और इससे आप अच्छी वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो दोस्तों डिस्प्ले के बारे में मैं आपको एक कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि जो इसका डिस्प्ले है दोस्तों वो एस्पेक्ट फुल व्यू डिस्प्ले तो है ही है, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ एडिशनल फीचर्स भी डाले गए हैं, ये देखिए, जिसमें आपको दोस्तों आपको इसमें आई केयर का है, जिससे कि आपकी आइस जब आप इसको ऑन करेंगे तो आई केयर, जब आप ज़्यादा इसको रीड करना है या ज़्यादा कंटेंट देखना है तो ये आपको आपकी आइस पे इफेक्ट नहीं करेगा। आउटडोर का फीचर दिया गया है जो कि आपकी ब्राइटनेस लेवल 15 मिनट तक बढ़ा देता है, और इसमें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है टर्न ऑफ द स्क्रीन आफ्टर 50 मिनट्स एंड कीप द आउटडोर मोड ऑन। तो इससे भी दोस्तों आपको जो इसमें एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं जहाँ तक डिस्प्ले की बात करें, और दोस्तों जहाँ तक इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हालांकि मीडिया टेक का P23 प्रोसेसर है, लेकिन सरप्राइजिंगली अगर आप हैवी ग्राफिक्स गेम भी इसमें खेल रहे हैं तो आपको कोई भी फ्रेमवर्क कोई ड्रॉप नहीं होगा, और कोई भी मेरे को हिकअप्स इसमें नज़र नहीं आया है, कोई हीटिंग का इशू नहीं है, स्विचिंग बिटवीन द एप्स बहुत बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक इसके इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो भी बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं आपको मिलेंगे। और दोस्तों जो इसकी परफॉर्मेंस अभी मैं आपसे बात कर रहा था, तो फ़ोन आपको दोस्तों कोई इसमें दिक्कत नहीं है मीडिया टेक के प्रोसेसर के होने के बावजूद भी। और जो इसकी दोस्तों बैटरी लाइफ है उससे भी मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, 3750 mAh की बैटरी है। अगर आप हैवी सेंसिटिव यूज़र भी हैं तब भी ये आपका एक पूरा दिन का काम निकाल देगी, और अगर आप दोस्तों कैजुअल इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा आप मीडिया कंटेंट या ज़्यादा आप सोशल प्लेटफॉर्म या ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं जाते हैं तब तो ये आपका काम हो सकता है दोस्तों डेढ़ दिन तक भी निकाल दें। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से ये काफ़ी पावरफुल फ़ोन है। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो वाईफाई का कनेक्टिविटी ऑप्शन है, 4G वोल्टे का इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा और स्टैंडर्ड ऑप्शन मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों जो मेरा व्यू है इस फ़ोन के बारे में, फ़ोन दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और देखने में कोई इसमें आपको वाव फैक्टर तो नहीं मिलेगा लेकिन सिंपल है और बहुत लाइट फ़ोन है।
और आप इसको इजीली सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं। नेविगेशन कीज़ हैं वो जो है वो इसके ऊपर ही दी गई हैं डिस्प्ले के ऊपर, और आप इसको बहुत इजीली सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो ये दोस्तों फ़ोन की प्राइस है 13,999 रुपीज़, यानी कि आपको अगर ये फ़ोन लेना है तो 14,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। ये दो कलर में आता है, मिडनाइट ब्लैक और शैम्पेन गोल्ड कलर। तो दोस्तों जो फ़ोन को मैंने रिव्यू किया है मेरे को शैम्पेन गोल्ड कलर का मिला था, ये भी कलर देखने में अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे क्या ये जो प्राइस है जस्टिफाई करता है फीचर्स को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो मैं दोस्तों डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है। फ़ोन बहुत ही लाइट है, जो मेरे को दोस्तों इसके जो इसके वाव फैक्टर या जो इसके बहुत ही हाइलाइट्स जो फैक्टर्स हैं वो हैं इसका फुल व्यू डिस्प्ले, और फ़ोन देखने में दोस्तों सिंपल लेकिन अच्छा लगता है। और कैमरा दोनों ही इसके बहुत इफ़ेक्टिव हैं, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे वो रियर का कैमरा हो। बैटरी दोस्तों बैटरी कमाल की है और आपका आराम से एक दिन का टाइम निकाल देगी। और हालांकि इसमें दोस्तों फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन आप इजीली इसको एक दिन यूज़ कर सकते हैं और जब आप रात को घर आएँ तो इसको चार्ज कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों फ़ोन जो इसका फिंगर सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर हो चाहे फेस अनलॉक फीचर हो वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techquam.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।